अग्निवीर को लेकर लगातार विपक्षी दल के द्वारा सवाल खड़ा कर रहे हैं। विपक्षी दल अग्निवीरों को सम्मान सुविधा देने की मांग कर रहा है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया। केंद्र ने महीनों पहले अग्निवीरों के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया था। पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिकों बलों में 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था। अब इस फैसले को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। CISF से लेकर CRPF तक में पूर्व अग्निवीरों को 10% रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। अर्धसैनिक बलों की ओर से इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। हम सैनिक तैयार कर रहे हैं, BSF। वहीं इस मामले में BSF के DG नितिन अग्रवाल ने कहा कि हम सैनिक तैयार कर रहे हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इससे सभी बलों को फायदा होगा। पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। CISF ने क्या कहा? CISF की महानिदेशक नीना सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती का बड़ा कदम उठाया है। इसको लेकर CRPF ने भी सारे इंतजाम कर लिए हैं। कांस्टेबलों की 10% रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेगी, साथ ही उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट दी जाएगी।